ओम शांति। अच्छा, मधुबन में हम आते हैं पूरा अपने आप को रिफ्रेश होने, फुल होने। एक तो रिफ्रेश होने, दूसरा फुल होने के लिए। इतना फुल जो यहाँ से वहाँ जाए नहीं। अच्छा, ओके, ओके, अच्छा। हमने कहा 2 मिनट में आप लोगों की आज के खास संगठन की वेलकम करती हूँ। ये भी मधुबन में आने से इतना सारे विश्व भर के हम बाबा के बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो लेन देन करने का भाग्य मिलता है, कुछ लेना कुछ देना। उसमें बहुत कुछ जानने सीखने अनुभव करने का मिलता है। तो कहाँ तक मधुबन में क्या जाना, क्या सीखा, क्या अनुभव किया, उसकी लेन देन होंगी। Are you hearing? Are you getting translation? Yeah. It's okay now. नहीं है मेरे को। दादी है। ओके। तो नोट करना, क्या जाना, क्या सीखा, क्या हमारे अनुभव में आया। तो जो अनुभव में बात आई ना, वो हमारी अनुभव की शक्ति आगे बढ़ने में लिए, रुकावटों को हटाने के लिए ऊंची और एक करस स्थिति बना सदा बनी रहे, एक ऐसी अच्छी मधुबन से लिफ्ट भी मिलती है, वो गिफ्ट के रूप में मिल जाती है। जैसे लिफ्ट मिल गई, उसकी गिफ्ट मिल गई, इसी भावना से आज संगठन है। कई बातें समझा हुआ है परंतु स्पष्ट नहीं है, अनुभव करना चाहते हैं परंतु हो नहीं रहा है। तो ये सब बात, जो कुछ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, वो ख़त्म हो जाएगा आज। ये है आज के संगठन के भावना। समझा गायत्री? अच्छा, बोलो अभी आप। Before I start asking the questions, I'd just like to give a context of the questions. And an email was sent out. An email was sent out to everyone, asking them to submit, asking each one, each country to submit a question. And so the questions that will be asked to Daddy this evening, tonight, are taken from your submissions. Also, some of you submitted questions after Baba's Murli, and I've included some of those as well. So the first one is a very simple one, Daddy. And I wanted to start off with Baba's Murli of October 21st.
And the question is basically, what comfort did Baba's Murli bring to you personally? And your answers could be short. They don't have to be long. Yani, mere se puch rahe ho. Yeah. Personally, you mere to your heart. Yo, mere ko kya aaram mila? हाँ. अच्छा. तो एक मिनट दादी, इसमें पहले translation होगा. इसमें हिंदी में translation होगा. क्या मेरे को आराम? नहीं नहीं, इसमें हाँ, आपको आपको क्या आराम मिला? कौन सी बात से आराम मिला बाबा की मुरली से? तो सबसे पहला प्रश्न है कि बाबा की जो 21 तारीख कल परसों की मुरली थी, उसमें से दादी को कौन सी बात से आराम मिला, यानी कि दिल को राहत मिली? कंफर्ट, अच्छा शब्द लिखा है तो सर। तो शब्द सबके तरफ से बोलूं, अपना ही बोलूं सब? अपना, सिर्फ अपना। मेरा शब्द मैं समझती हूँ, मेरे शब्द समझाओ ऐसा निकलेगा पर्सनल, मैं कहती हूँ अपने तरफ से बोलूं ना। अच्छा ठीक है, मेरे के जो अंदर में जो पुरुषार्थ कर रही हूँ ना, उसको जैसे बाबा ने छाप लगाई, ऐसे कर बस, तो वैसे मैं कोशिश तो क्या, पर मेरा अंदर से यही एक सीक्रेट है, जैसे बाबा कहता है वैसे ही उस श्रीमत भी अच्छी मिली हुई है, उसी अनुसार ही पुरुषार्थ भी हो, उसी अनुसार ही सेवा हो, तो और ही बाबा ने मेरे को बड़ा कंफर्ट दिया। ओके बहुत अच्छा, जैसे बाबा ने मेरी दिलगुरी बात सुनाई, बच्ची ठीक है ऐसे ही कर, ऐसे ही कर, फिक्र नहीं कर, ऐसे ही कर। तो मैंने आज गुरुजादा जी को जब कहा ना, मुझे फिक्र लग गया है, जितना बाबा पुरुषार्थ का फल देखने चाहता है, थोड़ा इतना नहीं है, फिक्र लगा है। तो कहा फिक्र क्यों करती हूँ, फिक्र का तो मैंने समझा फिक्र नहीं करने का है, तो उसी लहर से पुरुषार्थ करने का। ओके नेक्स्ट। ओके Okay, that was short and sweet, so we're off on a good start. In that same Murli Dadi, Baba, and I quote, said, whoever sees you, whoever you meet, whoever comes into relationship or connection with you, feel that you belong to them. Just as for the Father, everyone experiences Him to belong to them. Dadi, in your experience, do you think that individuals require different ways of being treated or cared for in order to experience a sense of belonging? If so, share with us an example of how you brought someone close and give them a sense of belonging after recognizing their unique need. And the idea here is that it's not that one thing, one approach or one way of bringing people close is the only way, but everyone has a unique need. And so, is this the way to bring people close by recognizing that unique need? तो दूसरा प्रश्न है कि उस कल परसों की मुरली में बाबा ने हमको बताया कि जिनों को भी हम देखे, जिनों को भी हम मिले, जिनके भी साथ हमारा संबंध और संपर्क हो, उनों को हमारे से अपनेपन की भासना आए। तो और जैसे बाबा के साथ सबको इस प्रकार की भासना आती है और सबको अनुभव होता है कि बाबा हमारा है,
तो इसी प्रकार से दादी आपके अनुभव में आप कहाँ तक आप बताएंगे कि हर एक व्यक्ति को भिन्न भिन्न प्रकार की जरूरत होती है, तो हम किस प्रकार से किसी की केयर करें या किसी को वो अनुभव कराए उनकी जरूरत अनुसार। तो आप हमको कोई ऐसा मिसाल सुनाओ जिसमें आपने उस व्यक्ति की जरूरत अनुसार आपने उनके साथ व्यवहार किया हुआ हो और उनको ये अपनेपन की भासना का अनुभव कराया हो। या आप मेरे से नहीं पूछो, आप सब हमको जानते हैं, आप लोगों को फीलिंग आती है आप बताएंगे। मेरा तो अंदर में ये है, ये नहीं कि मेरे से अनुभव हुए, जो मेरे को अनुभव बाबा से हुआ है वो आपको अनुभव हुए। एक शब्द में जवाब है, समझो। मैं अंदर से अपने से आपसे पूछती हूँ तो मेरे को क्या कहने का है, किसी को भी नहीं देखने का है, किसी की जरी बात कोई सुनाए तो भी नहीं सुनने का है, न सोचने का है। पर जो बाबा मेरे को अनुभव कराया है ना, वो अनुभव सबको हो, ये है मेरी पर्सनल भावना। फिर मैं आप लोगों से पूछती हूँ, ये भासना आती है अलग अलग क्यों? बाबा सबका एक है और दुनिया को हम बताने क्या अनुभव कराने चाहते हैं कि हर एक को लगे बाबा हमारा है। सारी विश्व भर में भले देवता बने न बने, कोई भी धर्म में आवे, लेकिन माता पिता का तो हर एक बच्चा होता ही है ना। बिना माता पिता कोई बच्चा तो होता ही नहीं है ना, बिना फ्रेंड के कोई संसार में कोई होता ही तो नहीं है ना। तो ऐसे ही अगर किसी को अनाथ को जैसे लगे मेरा माता पिता है, ये मेरे सच्चा फ्रेंड है, ऐसा मुझे कोई कभी कभी दिल लेने वाला, दिल के बात को समझने वाला कब नहीं मिला था। ये बाबा से अनुभव सबको होवे। अगर ये बाबा से अनुभव हुआ तो हम समझेंगे ये सेवा सेवा नहीं है पर मेरा परिवार है ना। वो भी समझे ना, ये हमारा परिवार है ना, ये हमारे मित्र है, पर परिवार ना समझे, ये मेरे मित्र है। क्योंकि दुनिया में डर है, कौन मित्र है किसका, अपने ही जो संबंधी है वही मित्र नहीं है। बच्चे माँ बाप के मित्र, जो मित्रता हो ना, माँ बाप है ना मेरे, माँ बाप भी सब मेरे बच्चे हैं ना, तो ये जो संबंध में भी मित्रता भाव, तो बाबा का जो हम बच्चों से संबंध है, हमको जो संबंध से प्राप्ति है, तो भावना ये है, ये प्राप्ति थोड़ी भी कोई कर करके आगे बढ़े, बीच में कोई भी उसके कारण से कुछ वो नहीं कर सकते हैं, उसमें 100% जो बाबा ने कहा, ऐसे नहीं भाई कोई नहीं सुधरता है तुम शुभ भावना देना छोड़ दो, नहीं तुम देना दे तो रहा, भले कैसा भी वो, क्या तुमने शुभ भावना देना छोड़ा मन वो ज़्यादा पावरफुल हो गया। जो तुमने शुभ भावना छोड़ दी वो ज़्यादा पावरफुल हुआ, अच्छा वो न बदला ना तो तुमने छोड़ दिया, थक गए उनसे व्यवहार ऐसे कर दिया, ये विवेक नहीं मानता है। भले ये अनुभव है, भले 20 बरस के बाद भी कोई शुक्रिया माने ना तो भी ओके कोई बात नहीं, आखिर तो 20 बरस के बाद भी 25 बरस के बाद भी थोड़ा बहुत उसको काम तो आया रहा, शुक्रिया बाबा ये भी अच्छा। यानी भावना बाबा ने हमको गिनती करके नहीं दिया है, जैसे को वैसा नहीं दिया है, सबको जीव भर भर के दिया है। उठाने वाला कितना भी उठाए, बाबा ने ऐसे नहीं कहा जितना उठाए उतना मैं देता हूँ, मैं देता हूँ जितना तुम ले लो, देना बाप का काम है,
लेना हमारा काम है। तो हम बाबा के बेहद के बच्चे हैं ना, बेहद का बाप है, बेहद का ज्ञान है, बेहद का खजाना है। तो जो भी संबंध में आए, संपर्क में आए या साथी होकर के रहे, उनके साथी जैसा वो, अगर मेरा ज़रा भी ख्याल चला ना, तो बाबा के काम की मैं नहीं रही, वो सदा सबके काम की नहीं रहेंगी। वो जिसको अच्छा लगा मेरा उनके साथ अच्छी रही, जिनको जिनको अच्छा न लगा उनसे न अच्छी रही, न अच्छी रही, तो मैं बाबा के काम की नहीं हूँ। अंदर ख्याल रहता है मैं बाबा के काम की रहूँ, यानी हर एक समझे मेरे से कब तो याद आए भाई अच्छा मिल रहा है। तो ये 50 अभी 70 वर्ष कह रहे हो ना, कईयों का अनुभव है, थोड़ा बहुत भी जो दारा करा उनके पास है ना, उनको जिंदगी में काम आया है, थोड़ा भी काम आया है। तो देने में हम कभी भी कंजूसी न करें, हम थोड़ी दे रहे हैं। जैसे कल रात को मैंने किसको कहा, हम नहीं कर रहे हैं, मम्मा कह, हम भी समझते हैं इसकी इमानत थी, लेने आया लिया, अच्छा हुआ हमारे पास इमानत, मैंने नहीं दिया, इसकी इमानत थी, लेने आया, भले लेके गया। तो मैं बड़ी बात थोड़ी की जो मैं कि मैंने दिया, नहीं नहीं भले अच्छा है। ओके ओके, आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू, समझा? अभी क्वेश्चन को पहले ऐसे तो करो, ठीक है ये हाँ? अगर व्यक्ति को देख हमारे ही संकल्प ऐसे चलेगा, तो जो संकल्प चलेगा उसको वो पहुँचेगा ना। ये बहुत काल के से अनुभव का है, जैसा मैं बोलेंगी ऐसा सुनेंगी, जैसा सोचेंगी वो पहुँचेगा वो संकल्प। सामने बैठा है या दूसरे कमरे में बैठा है या हजार माइल दूर बैठा है, पहुंचता है। अगर हमारा संकल्प श्रेष्ठ होगा, किसी न किसी तरीके से आत्मा को काम में आएगा, पहुंचेगा। दादी, हमने देखा है कि कई बार आपके साथ कई होते हैं जो खींचवाने वाले होते हैं, आपके साथ कई होते हैं जो आपसे खींचवाने वाले होते हैं, तो उसको भी आप रिस्पॉन्ड करते हो। कोई होते हैं जो खींचवाने वाले नहीं होते हैं, तो उनको जो वैसे बाबा सबको देता है, लेकिन वो फिर होता है कि वो रह गए, वो रह गए, उनको होता है कि जैसे आप इसको ज़्यादा देते हो और इसको कम देते हो। तो कई बार कईयों को होता है कि जैसे आप तरफ ले रहे हो किसी को, किसी की, तो आप इसमें क्या कहेंगे कि कैसे हमको ये भासना, हम कैसे लगता है कि ये आप किसी की तरफ ले रहे हो, या आपकी या हमारी भी, हम कोई खींचवाता है उस अनुसार आप देते हैं, तो कईयों को होता है कि फिर आप तरफ ले रहे हो। ये जो कईयों को ख्याल आता है ना, ये तरफ ले रहे हैं, वो सूक्ष्म दृष्टिकोण जो है ना, कल्याण भाव वाला नहीं है, यानी मित्रता भाव वाला नहीं है। ये यज्ञ के हिस्ट्री में बहुत हुआ होगा, हुआ है, ये नहीं। जैसे बाबा है, बाबा बेहद, कोई भी घड़ी आती है किसी न किसी के जीवन को परिवर्तन लाने की, तो बाबा हमेशा से करता था, जिससे मिलता है उससे ऐसा बात, ऐसा वायुमंडल प्यार भरा होता है, जो आत्मा को रियलाइजेशन होती है और बदल की उसमें पैदा हो जाती है। ये वंडर होता है, किसी के अंदर सूक्ष्म अति है, अति सूक्ष्म है, ये औरों का ज़रा ज़्यादा तरफ लेती है, ये ख्याल भी है ना, वो खींचवाते नहीं है। समझो बात, या उनको कुछ कहो ना, अपन को राइट सिद्ध करेंगे भाई, खींचवाया, सुनते रहे,
थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान देते रहे वो नहीं होगा, अंदर से पहले से अंदर से है, देखो मुझे मेरे से कैसे बोलती है, अंदर से सामने मिलने से बाहर भी। हमने बाबा का बहुत देखा है, समझो हम बाहर बैठी है, अंदर जब तक जाऊँ ना तो मेरे को अंदर से ऐसे लगेगा मैं बाबा से मिल रही हूँ, कैसे मिल रही हूँ, क्या मिल रही हूँ। पर ये सोचे बाबा मेरे को कभी टाइम दिया थोड़ी, इनको देता है मेरे को नहीं देता है। सूक्ष्म आएगा ना, देखेगा बाबा, बाबा भी देखेगा, वो खिंचवाता ही नहीं है, उसमें भावना ही नहीं है। तो एक बार हमने कहा था, एक है निष्ठ, एक है भावना, दूसरा विश्वास। जब तक बुद्धि में कुछ न कुछ जरा सा ईशा का अंश भी है, भावना काम कर नहीं सकती। एक है पास्ट की कोई बात मन में, दूसरी है पर की बात कोई मन में, भावना काम नहीं कर सकती। भक्ति सारी जो है ना भावना के आधार से है, सच्ची भावना के आधार से भक्ति का भी बहुत हम आत्माओं ने फायदा लिया है। कामना नहीं पर भावना। ज्ञान में भी कभी कभी दादी के साथ रूह जान चलती है हमारी, कई बाबा के बच्चे हैं, कोई बहुत बुद्धिमान है, अभी तक बुद्धि के चलाने के कारण बुद्धि योग भी नहीं, बुद्धि द्वारा रूहान्यत से स्नेह भी नहीं। कोई भावना वाले है, चलते चलते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, एक मिनट ना, एक मिनट ना, मैं मिलने चाहती हूँ, एक मिनट ना, भावना है। कोई तो बुद्धिमान है, जैसे ऐसे फेरी पहन के चले गए या दरवाजे के आगे आके चले गए, उनको भावना से बात करनी, सच्ची भावना से बात करनी है ना, तो आधी रात भी, उसमें कोई टाइम की बात नहीं है। ज्ञान है ही परमात्मा में, हमारी समझ से भावना, मुख्य बात है भक्ति में समझ से भावना नहीं है तो भी फायदा बहुत है। ज्ञान में समझ से जो भावना है ना, ऐसी वंडरफुल है, उसका बल बहुत है। कभी भी कुछ भी हो जाए, बुद्धि कैसी भी हमारी भोली हो, पर भोला नाथ अच्छी बुद्धि से काम लेता है, कराता है। तो बुद्धि छोटी सी बात में भी चली ना, भावना छूट गई। जिसके भावना छूटी हुई दूर हो गए, दूर हो जो दूर हुए ना, नजदीक आ नहीं सकते। प्रेजेंट समय ये तो शुरू से यज्ञ के हिस्ट्री में है, जिस करी अंदर की भावना में फर्क पड़ा, बुद्धि में थोड़ा और बात अंदर आ गई, समीप आते सुख की लहर, शांति की, प्रेम की, जो हमारी आपस में जो व्यवहार है ना, हो नहीं सकता। असल बैरियर आ जाता है। इसलिए भक्ति में कहते बहुत श्याण पर जमा का हो व्यापे, जो बहुत श्याणा होता है वो नुकसान कर रहा है। इसलिए भोले बनना, भोले माना, जो माया को समझ न सके वो भोला नहीं चाहिए, सच्चे है, भोले है, अच्छा इसको मिला ना तो ये अच्छा, जैसे मेरे को मिला ये खुश हुआ ना, बहुत अच्छा। What I have observed about Dadi. किसकी बुद्धि चलती हो तो बोला वो बताओ। अच्छा भला ये अनुभव किसको है, भावना क्या कभी भी बाबा से खिंचवा सके, आधी रात हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी हो, हाथ उठाओ, नहीं तो समझेंगे अभी तक ये मिसिंग है। हाँ।
भावना से जो प्राप्ति है ना, और भावना जिसके छूट जाती है, बुद्धि चलने लग पड़ती है ना, मिलता है तो भी ले नहीं सकते हैं, उनसे मिस हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा है? अच्छा हाँ, और नेक्स्ट श्योर रेडी फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ हाँ ओके okay, सभी ने कहा ना ठीक है वो I just want to follow up on what Daddy was saying. One, in the sense of belonging, Daddy's talking about an awareness we should have. Then she said we should tell her how she gives us a sense of belonging. And what I have observed from her, which I think is a fascinating process and would help us who also live at the centers and those who come to the centers, is that she treats everyone as an individual in a unique manner. And she somehow identifies a uniqueness in that person, and then she brings that person closer to Baba based on that uniqueness. And so the way her approach to me, for instance, in bringing me close, would be absolutely different from the way perhaps she would bring Atam Bhai close. And this is what the question is asking, Daddy, that what is that uniqueness that you recognize that you would send someone an email every single day until that person comes close and feels that sense of belonging, whereas with another person you may say, make sure you listen to my classes and send the notes out, and that would bring them close, whereas another you may appreciate the role that they play and that would bring them close. So this kind of uniqueness perhaps we are not using enough to bring people close the way you do it, and we're just good wishes, pure feelings, elevated thoughts at the level of awareness only. So I just wanted to share that is what I see with you, that perhaps we are not exercising. Do you want to comment on that? तो प्रश्न का सार ये है कि हम कहती हैं कि दादी को हमने अपने अनुभव से देखा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे सेंटर में रहने वाला है या कोई भी व्यक्ति सेंटर में आता है, उनके साथ दादी एकदम जैसे उनकी जो खास विशेषता है उस विशेषता अनुसार दादी व्यवहार करती हैं। उसमें मिसाल की तौर से देखा गया है कि कोई व्यक्ति होगा, उनको दादी हर रोज़ ईमेल भेजेंगी उसको प्रेरणा देने के लिए, उसको खींचने के लिए, उसको नज़दीक लाने के लिए। कोई दूसरी व्यक्ति होगी, उनके लिए दादी उनको कहेंगी आप ध्यान से मेरा क्लास सुनो और इसकी नोट्स लिखो और फिर नोट्स सबको भेजो। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति आएगा उनकी दादी विशेषता पहचान करके उनके साथ व्यवहार करती हैं। ये सिर्फ अपना अनुभव सुनाती हैं और कहती है अगर दादी को कुछ कहना हो, कुछ ऐड करना हो तो कुछ कह सकते हो आप। पहले ये नहीं, असल बार बार ये मैं कहती हूँ, मेरे को ये नहीं कि मैं कैसे करती हूँ, बाबा ने कैसे किया है मैं बता। नहीं नहीं दादी, इसमें ये बात आपकी ठीक है, लेकिन सचमुच ये तो है ना, हमारे सामने तो आप हो ना, जैसे आप एक मिनट जैसे आप करते हो ऐसे हम किसी को नहीं देखते हैं करते हुए। जैसे पहले भी बात की ना, बाबा से खींचने में तो खींचते हैं, लेकिन साकार में आप हमारे सामने हो तो आपको देख के सबको होता है कि दादी ऐसा करती हैं, दादी ने इसको ये कहा, इसके तरफ किया, तो आप हो ना, और आपने यूज किया ना जो बाबा ने किया है। फिर बाबा ने आज की मुली में था, जो मैं बोलो तो बाबा बोलो,
जब मैं बोलो आज की मुरली, परसों के मुरली को आज के मुरली ने तो बाकी भी अंडरलाइन कर दिया, जब मैं बोलो तो मैं बाबा आया, बाबा मैं से, मैं बाबा से अलग नहीं हूँ। तो बाबा का जैसे बाबा ने फुट स्टेप लो, मेहनत क्या है, पांव पर पांव रखो, मेहनत क्या है, एक करके देखा है, हाथ से हाथ में ला के चलो, मेहनत क्या है, परंतु क्या है हाथ से हाथ मिला के चलना, यानी ये सिंपल बात है, परंतु अपना जो थोड़ा सा सूक्ष्म अभिमान है ना, वो बाबा से मिलकर के चलने में अभिमान बीच में रोकता है, रिस्पान नहीं मिलता है। बाबा ने कहा सेवा में चाहे पुरुषार्थ में, आज बाबा सफलता न होने का कारण क्या, या थोड़ा सा सफलता नहीं हुई, वास्तव में ला कहता है, ईश्वरी ला कहता है, पुरुषार्थ और सेवा में सफलता अवश्य होनी चाहिए, ये अंदर का आवाज़ है हमारा, भले कुछ भी हो, ब्राह्मणों ने अपना टाइम दिया, पैसा लगाया, यानी अपना दिल लगाई, जितना भी किया सफल होना चाहिए। निष्फल किसी का संयोग जो दिया ना, जितना दिया, जिस प्रकार के से दिया, हम भेंट न करें इसने ज़्यादा दिया इसने कम दिया, भूल है, इसने क्या किया कुछ नहीं किया, ये भूल है। ये हम सेवा में, सच्ची सेवा में बाबा के वो अंदर से सूक्ष्म जो है ना, वो स्वच्छ नहीं रहे, हमारा क्या जाता है, जिसने हम यही ऐसी भावना वाला वातावरण रखे, जिसने बाबा ने एक बार कहा था पर मैंने भी सोच लिया था, किसने किला भी ठोका, किसने फ्यूज वायर हो गई वो ठीक कर दिया, किसने इतना भी काम किया उसके बिगर भी किया तो बहुत अच्छा किया, टाइम पर तो किया ना, उसका भाग्य तो बना ना, नज़दीक तो आया ना, पर हम लोगों का जो सोच थोड़ा सा स्वच्छ न होने के कारण सफलता नहीं होती, न याद में, न सेवा में, न संबंध में। संबंध में ऐसा देखो ना, जैसे बाबा का मुस्कुराओ ना, दादी क्या करती मुस्कुराती है ना, बाबा के ये गुलजार दादी से 3 साल पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था, बाबा के संदेश में हमेशा आते, बाबा के पास गई ना, बाबा ने मुस्कुराया, फिर बाबा ने बोला, प्यार भी दिया शिक्षा भी दी, मुस्कुराते मुस्कुराहट में, बाबा के मुस्कुराहट में इतनी शक्ति, जो बाबा तो मैं ये अंदर से ध्यान रखती हूँ, मेरी मुस्कुराहट में थोड़ी शक्ति और चाहिए, कम है अभी, मैं प्रैक्टिकल बताती हूँ, कम है, मुस्कुराहट में शक्ति कम है, और फील और जो मुस्कुराहट में अति श्रेष्ठ प्योर फीलिंग होवे, जो आत्मा को टच होवे अंदर, जैसे कैसे बाबा ने कहा कैसे भी आत्मा बदल जाए, बड़े तमोगुण तमो प्रधान, तो ये कई सबूत है भाई, ये तो कई, मैं कई बार मैं नाम नहीं लेती हूँ, प्लीज़ ऐसे मत बोल, इसके लिए किसके बोलने का असर, एक सेकंड में कितने बड़ी अनुभव की है ना, देखा नहीं है, ये बदलती थोड़ी अंदर से मुझे शॉक आता है, किसके लिए मत बोल, हम किसके लिए बोलेंगे वो भी हमारे लिए ऐसे बोलेंगे, वो हमारे संकल्प की स्वच्छता की जो वो बल है ना, वो हमारा ही हमको न जमा होता है, न उसका आगे बढ़ने में मुझे मदद मिलती है, मेरे संकल्प में इतनी स्वच्छता हो
जो आज की मुरली में है ना, जो किसी की भी अस्वच्छता, खराबी, कोई भी कमी मेरे संकल्प को अस्वच्छ बनावे, तो भगवान से जो मुझे मिलता है ना, वो रुक जाएगा, मैं लेने में ले नहीं सकेंगी। पर अंदर से याद की जो है ना, वो खुशी, शक्ति, हल्कापन, प्रेजेंट समय अनुसार जो आज बाबा ने सीधा ही कहा, एग्जाम भी हर 3 मास होता है, करते हैं वह, इसलिए जो पहले 2-3 बारी अगर हम फेल हुए, अगर पास हुए ना लास्ट में किसी कारण से हमारा, तो ये कम हो तो पहली वाली मार्क्स हमको आगे बढ़ा देंगे। जो जिसने बहुत काल से ध्यान रखा है अपने ऊपर, अंत में कोई गलती हो गई, कुछ हो गया, कुछ, वो पहले वाला जो रिकॉर्ड है ना, वो मदद करेगा। पर बहुत काल से अलबेला ही है ना, अंत में अलबेला ही बहुत धोखा दे रही है, अभी पुरुषार्थ में धोखा दे रही है, अभी दे रही है। तो हम वो नहीं देखें, भाई ये तो है ही अलबेली, ठीक कोई बात नहीं, परंतु कभी न कभी किसी भी आत्मा को देखो, ये कभी केयरलेस नहीं रही है। तो जब उसके सामने कोई तनक की परीक्षा आई, फलाने की परीक्षा आई, पर क्यों स्वयं की उसकी नेचर में अलबेलाई और मिक्स रहना, स्वच्छ न रहना, सच्चाई से व्यवहार नहीं, व्यवहार में जिसकी सच्चाई नहीं है ना, औरों को आगे बढ़ता हुआ देख सहन नहीं करते हैं ना, इसका जो सूक्ष्म हिसाब किताब है, न याद में सफलता, न सेवा में सफलता, पर औरों की सफलता होती है ना, वो भी सहन नहीं होती है, और किसी के याद में सफलता हुई या सेवा, अचानक उसके भागे, याद भी इतनी नहीं थी पर सेवा ऐसी सफल हुई, फिर उनके अंदर से इनके भाई मुझे पता नहीं, बाबा ने किया, बाबा ने किया, बाबा ने किया, अंदर से थे कि मैंने तो कुछ जानती नहीं थी। मुख्य बात है अपने बुद्धि को जितना क्या पूरा स्वच्छ, उसका स्वच्छता से भगवान को कुछ नहीं है, हमारी बुद्धि की स्वच्छता हो, यानी सत्तो गुणी तो क्या बिल्कुल सत्तो हो, उसमें परमात्म शक्ति ऐसा काम करती है जो दूसरों को उसको तो मिली, पर उनके निमित्त उनके अनेकों को सुख मिलेगा, अनेकों को बदलने की शक्ति मिलेगी। और प्रेजेंट समय हमारी माताजी बैठी है ना, ये माताजी बैठी है ना, नरेंद्र भाई माँ है ना, हाँ मिसाल है ना, वंडर है ना, कैसे मधुबन पहुंची है, इसकी हिस्ट्री है ना, नरेंद्र भाई कहाँ है, हाँ पीछे उनका, यहीं वहाँ पीछे कहाँ दूर बैठा है मेरा भाई, देखो बाजू में सामने तो बैठो ना, सामने आ जाओ, सामने नदी का आओ, भावना की बात है, भावना कईयों के बुद्धि को अच्छा बनाती है। कैसी भी बुद्धि होंगी ना, कभी भी ज्ञान को न मानने वाली होंगी, पर उसके बुद्धि भी अच्छी बन जाती है भावना से, भाई हमारे डॉक्टर को जगह दो सामने, माता जी को मैं यहाँ देख बाबा का गुण गा रही हूँ, कमाल है। इस तो कभी पीछे सुनाएंगी माता जी, अच्छा बताओ, समझो भगवान कैसा है, हम उसके
हम बच्चे उसके हैं, वो अपने कोई भी बच्चे को कहाँ पर भी कोई भी टाइम इतनी मदद करता है, उसके अंदर से बाबा निकलता है। अच्छा ओके नेक्स्ट। डैडी यूर talking and bringing us into this very deep and elevated stage that we should be having. However, some of us find ourselves in situations that after 5, 10, or even 20 years of following Baba's Srimat, of meditating, of listening to Murlis, the complaints about myself, about others, about the situation sometimes remain the same, and it is as if I become a victim to my own sanskaras and I get stuck with that sanskara. In order to change that sanskara or transform that sanskara, is there ever a justification of walking away for a period of time maybe, or walking away from it, from the person, from the situation? In other words, it's not that easy for some of us. It's hard. And until we could get to that stage that you talk about, tell us what we could do. तो प्रश्न है कि दादी हमको बहुत ही सूक्ष्म और श्रेष्ठ अवस्था में ले जा रही हैं अभी, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि 5 साल, 10 साल, 20 साल से ज्ञान में चलते हुए भी जैसे कि हमारी कंप्लेंट्स जो हैं वही रहती हैं, चाहे खुद के लिए, चाहे औरों के लिए, चाहे कोई परिस्थिति के लिए, हमारी कंप्लेंट्स वही चलती आई हैं जो सालों से चलती आई हैं। तो कभी कभी जैसे कि हम रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं कोई बात में, तो आप ऐसा कहेंगे और हम अपने ही संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं, तो आप ये राय कभी देंगे कि हम कभी दूर हो जाए, चाहे व्यक्ति से या उस परिस्थिति से या कोई ऐसी बात से हम थोड़े समय के लिए दूर हो जाए, तो हमको मदद मिलेगी परिवर्तन लाने में, आप क्या कहेंगे? इसमें तीन बातें मैं कहती हूँ। विस्तार से जाप देंगे तो कोई जरूरत तो नहीं है, पर सार रूप में तीन बातें हैं। हम लोगों को शुरू में बाबा ने संकल्प और विकल्प को स्पष्ट किया था शुरू में। एक है संकल्प, दूसरा होता है विकल्प। जब बाबा ने वो स्पष्ट किया तब से लेकर के ये विकल्प है ना, बस बड़ा अंदर ध्यान रहा है। संकल्प में एक विकल्प आया ना, तो जैसे हम शूद्र बन गई। इतना हम लोगों को, मैं अपनी बात करेंगी, मैं जब कहती हूँ पुरुषार्थ में हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। फिर साखियों के देखती थी किसी को संकल्प में जब विकल्प आया ना, शुरू हुआ ना, उस आत्मा की क्या गति हो रही है, अनुभव देखती थी। ईश्वर के घर में बैठे ईश्वर का बच्चा, वो कैसे हमको संभाल रहा है, मेरे को विकल्प आया, ये तो शूद्र का काम है।
फिर बाबा अभी भी मूल्यों में है, बल्कि विकल्प विक्रम में नहीं आना, उसका दंड बन जाता है। इतना ध्यान नहीं है, विकल्प आया फिर विक्रम में भी आए तो उनको लगेगा नहीं कोई मैं ब्राह्मण हूं, उनका यहां पांव नहीं टिकेगा संगठन में। वो दूर हो जाएगा, अपने संकल्प की जो क्वालिटी है ना, शुद्ध शांत श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प समर्थ हो गया। यह है सहज ते सहज सदा काल के लिए, कोई परिस्थिति है ही नहीं, जरूर आएंगी बिना परिस्थिति के, स्टेप स्टेप चढ़ेंगे, स्टेप ऐसे तो चढ़ जाएंगे। चौरासी स्टेप्स उतरे हैं जन्म में, उतरे हैं अंतिम जन्म में इतना ऊंचा चले जाए कैसे चलेंगे। पर संकल्प शुद्ध श्रेष्ठ समर्थ ऊंच लेके जा रहा है, बाबा के पास बिठाता है, बाबा हमको अपना बनाता है, मैं उसको अपना बनाती हूँ। बाबा ने अपना बनाया, मैंने उसको अपना बना के दिल से रखा। दिल पर मैं कहती थी बाबा आप बहुत काम करते हो, कभी आपको रेस्ट चाहिए ना, मुझे कोई आपसे कोई तकलीफ नहीं देती हूँ, मुझे मदद आप आकर मेरे पास रेस्ट करो। मैं ऐसे दिल को ऐसे रख देती थी, ये पुरानी बातें हैं। आप कभी आओ ना मेरे पास, बैठो ना मेरे पास, मेरे दिल में आप बैठो ना, बहुत घूमते फिरते हो ना बाबा, ये कहो और बैठ जाता था दिल में। प्यार है ना, मुझे मनुष्यों से प्यार करने का अकल नहीं है, न किसका किया है न किसको करने का अकल है, असुर नहीं है। पर परमात्मा से प्यार लेना और परमात्मा को प्यार देना, उसका अकल जिसको है वो जाने, वो कैसे प्यार करता है, किसको करता है, उसके प्यार में इतनी शक्ति है, और उस शक्ति के आगे कोई शक्ति चल नहीं सकती, कोई की नहीं चल सकती, भले कितने टेस्ट ले, हजारे अनुभव है। सेकंड में चलो, भले सेकंड रहे, छः महीने लगावे, आठ महीने लगावे, पर हम अपनी रफ्तार जो पुरुषार्थ की है, संकल्प की जो क्वालिटी है, उस समस्या ने मेरे संकल्प की क्वालिटी खराब नहीं कर सकता। अच्छी भावना, उसका भला, तुम सबका भला करने का सोचो, तेरा भला राम करता है। भाई इसका बुरा एक बारी किसी ने कहा था, इसे किया है ना उसका भोग रही है। मम्मा ने हमारा कान पकड़ा, मैंने नहीं कहा था, किसी ने कहा था, इतना किया है ना उसका भोग रही है। तुम देवताएं हो, ये तुम नहीं कह सकते हो, जैसे तुम उनको नहीं। वो घड़ी मुझे याद है, ऐसे जो सोचना या बोलना हम देव आत्मा के लिए नहीं ठीक लगता है, देव आत्मा है ना, उसको हमारे अंदर से दिल से इतना प्यार हो, जो किया हुआ जो भोग रहे हैं ना, वो भोगे नहीं, भोगने की भी सहन शक्ति आ जावे। मेरे में पता है
क्या किया है, लेकिन उसके पता उसमें सूक्ष्म एक बात है। बाबा ने संदेश में कहा था किसका वकील तुम क्यों बनती हो, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे तुम किसने, ये साकार बाबा का था, इसको तो वकालत का धंधा ही आता है। ये जो बच्ची है ना, ये वकालत का धंधा करती है। वकालत का धंधा माना किसका तरफ लेना और किसी को तरफ न लेना, खोटा धंधा, सबसे खराब धंधा है वकालत का। किसका तरफ लेगा और किसी का तरफ, या जल्दी जजमेंट दे देगा, जज भगवान बैठा है तुम काहे को जज करते हो। ये बुद्धि जो ऐसी फास्ट चलती है ना, या वकालत की या जजमेंट, इसका ऐसा न होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, चुप करना। तो चुप करना नहीं आता है, बोलना आता है बहुत, जल्दी सोच चलता है, जल्दी चेहरे पर आता है, जल्दी एक्ट में भी आ जाता है। इसमें बुद्धि को ठंडा रखना, शांत रखना, शुद्ध रखना, शांत रखना, शुद्ध रखना, ठंडा रखना। जो ये जो इंटरफेथ वाले थे ना, उन्होंने शांति के साथ बार बार ये शब्द निकला, भाई बहुत शीतलता का अनुभव है। चंद्र ऐसा था ना, शांति तो है पर शांति के साथ अगर आत्मा को शीतलता का अनुभव होता है ना, उसके अंदर से इतना उसको वो खुशी सुख महसूस होगा, जो शीतलता पर शांत रखती है। जो तपत थी ना, वो बुझ गई ना, शीतलता का अनुभव हुआ ना, पर शांति वो प्यारी लगेंगी, शांत रह सकेंगे। तो सूक्ष्म संकल्प की उत्पत्ति का जो अपना नेचर है ना, वो खतरनाक है। जो आज बाबा ने कहा, रचना पैदा करके उसकी पालना करके पर खत्म करने में टाइम लगाते हैं। पैदा किया तो पालना की, उसको राइट समझ करके आगे बढ़ाया, उसमें औरों को भी साथी बनाया। मैं राइट हूँ ना, देखो ना, औरों को साथी बनाया, फिर साथी बन पर ख़त्म करने के लिए वाइब्रेशन तो खराब बना दिया। तो जो वाइब्रेशन खराब बनाने वाला है, उसके अंदर का और उनसे औरों को क्या मिला? तो ज्ञान जितना अच्छा है, मीठा है, सहज है, इतना महीन है। जो बाबा ने कहा विशाल बुद्धि का काम है, इतना महीन है। किसी को ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, इस चिंतन की जरूरत ही नहीं है, असल जरूरत नहीं है। ये चिंतन बिल्कुल हमको पद भ्रष्ट बना रहा है। ऊंच स्थिति में रहने के लिए वो चिंतन, बाबा ने कहा ज्ञान में माया नहीं आती है, योग में यही माया, यही चिंतन घुसता है। तो अपने को बाबा के नजदीक रखना, समीप रखना, समीपता का सुख लेना, उस समीपता के सुख से सुख की लेन देन करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। एक बारी विश्वकिशोर भाई ने मेरे को कहा था, हमारी सब हमारे भरोसे हैं, मेरे पूज्य हो है, मैं उनको पूज्य मानती हूँ, इतनी अच्छी रुअर यार थोड़ी की होंगी ना, दिल से लगी हुई है। तो हम कमला नगर में स्टेशन से टांगे में जा रहे थे, तो भाऊ मुझे कहता है, वो उसकी बुद्धि बड़ी बड़ी वंडरफुल थी, देखता था हम क्या सेवा कर रहे हैं,
हम कहती भाव दूध तो पियो, कहा नहीं नहीं सेवा तुम करो, माताएं दूध ले आए मैं पीऊँ, नहीं पी सकता हूँ, तुम पी सकते हो मैं नहीं पी सकता हूँ। पर कहता है टांगे में जानकी क्या समझती हो, जो सेंटर पर आते हैं सुख किसको मिलता है, वो दिन आज का दिन। तब कमला नगर था, शक्ति नगर में पांव भी नहीं रखा है, पुराना कमला नगर था। सुख किसको मिलता, तब आत्म में नहीं हमारे साथ रहती थी, पर हमने रोरियान की। भाषण करना आसान है, भाषणा देना वो हमें शुरू करना, भाषणा देनी चाहिए ना, भाषण में तो लंबा लेक्चर है, कोई आया बैठा। पर दीदी और हमारी रोरियान चली, मैं दीदी भाऊ ने कहा सुख किसको मिला, इतनी धुन लगाई इस बात की जो आज दिल्ली से सारे विश्व निकली है, आप लोग पीछे पैदा हुए हो। जो आए ना, खाना हम बनाती थी, स्टोव क्या करती, जो कोई आया ना स्टोव बंद कर देती थी, भंडारे में बैठ जाती थी, बैठ बैठ बैठ। जगदीश भाई को रात को खिचड़ी पटाटा बना के छोटा सा वो परांठा था, उसको थाली दे, रात को आता था शाम को खिलाती थी, फिर योगी को खाता था, फिर थोड़ा हंसता था। जगदीश भाई को जो मैंने खिचड़ी पटाटा खिलाया ना, उसकी उम्र में ताकत आई है उसको, वो तो खिलाया होगा, अम्बाला में खिलाया होगा, अम्बसे में खिलाया। भाऊ ने सिर्फ कहा सुख किसको मिला, ऐसे चला गया, सुख मिला माना प्रेम मिला, प्रेम मिला माना शांति मिली, बाबा के घर आया है ना। कभी नहीं भूल से जो बाबा ने बोलिया चली है, मैं तो बिजी हूं अभी, ये टाइम है आने का, देह अपमान है, कोई भी घरी कोई आता है भले अच्छा वेलकम। यानी भगवान का घर है ना, सदा ही बाबा को देखा, बाबा कमरे में बैठा है ऐसे, कोई बाबा हाँ अच्छा अच्छा बच्ची ऐसे, हाल तो बाबा के सामने कोई अशरीर हो जाए उठे ही नहीं, ऐसे मामा को देखा है। इस पे और स्पष्ट करूं थोड़ा, इसमें कोई हट जाने और प्रश्न है भले, पर ये क्वेश्चन जो है ना, एक बारी क्या था, लक्ष्मी नारायण का चित्र बॉम्बे में बन रहा था, 6 महीना कर मामा बॉम्बे में रही होंगी, लक्ष्मी नारायण के चित्र में मम्मा बताती थी कैसे बने कैसे बने, लक्ष्मी कैसी है नारायण कैसा, लक्ष्मी कैसी है नारायण कैसा, ये दिखाई पड़ता था मम्मा के, सारा जो बनाने वाला था ना मम्मा के सामने बैठता था कि 6 महीना लगाऊंगा बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र में, मम्मा करता है, मम्मा ने बैठ के बाबा भी। तो एक बार मम्मा पुणे में हमारे पास आई, प्रशांता और मैं कहती हूँ हम जो लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य का बताते हैं और मम्मा के बताने में कितना अंतर है, हम जब फिर हम देखते थे चेक करते थे मम्मा कैसे बताती हम कैसे बताते हैं, मम्मा जब लगता था ये अपना लक्ष्य जो है ना, बाबा जब नारायण कहेंगे लक्ष्मी नारायण कहेंगे ना, बाबा का स्वरूप देखो जो आज पर बाबा ने कहा सूरत में सीरत हो, पुरुषार्थ में इतनी महीनता, जो बाबा कहता है प्रैक्टिकल जैसे आज लगे मेरे सूरत में सीरत हो, तो इस प्रकार से महीन पुरुषार्थ करने की जिसको रस बैठा ना वो मोटा पुरुषार्थ नहीं करेगा।
उस पर खुश नहीं होऊंगा। मोटे पुरुषार्थ हैं, थोड़ा मोटा ही पुरुषार्थ करके खुश हो जाते हैं, पर महीन पुरुषार्थ ही मोटे पुरुषार्थ से खुश नहीं होऊंगा, और डीप जाएगा, और डीप जाएगा। ताकि बाबा सम्मान आत्मा बाबा के घर आई सुख शांति सदा के लिए, वर्षा लेने के लिए लायक बन गई। समझाइए, मुझे वर्षा लेना है। इतनी भावना से अतिथि इनों का शब्द था, अतिथि संस्कार वो सत्कार यहाँ बहुत है। इंटरफेथ वालों ने कहा ना, अतिथि सत्कार का जो मेहमान आते हैं उनका जो हम उसको हॉस्पिटलिटी देते हैं, ये अच्छी है। यहाँ किसने सिखाई है? बाबा ने सिखाई है ना। उसमें हमारी कंजूसी या हमारी ये नहीं, बाबा के घर आए हैं सब खुश हो के जाए, हाँ सब ठीक है, ऐसे ओके, कोई तकलीफ तो नहीं है। कई आत्माएं इसे पूछने से पिघल गई है, जो कभी उसको वाइफ ने नहीं पूछा होगा। कोई आत्मा ऐसी आई थी यहाँ, वो एक पैरे वाला चला गया ऊपर, उसका थोड़ा आवाज आ रहा था दर्द का, भाई भाई सब कुछ चाहिए, वो ऐसे ही आया था। कहा ये कैसे मेरे पास कुछ चाहिए, मैं फट से गया कुछ दवाई लेके आया, ये क्या क्या, उससे बदल गया वो, फट से। तो ये जो भावना सेवा वाली, भावना वाली सेवा है ना, कईयों को दिलों को कभी भूलेंगी नहीं, दुनिया भूल जाएंगी पर ये नहीं भूलेंगी। अंकल से पूछो कितना अंकल का प्यार है, कौन सा प्यार है अंकल का, कितना प्यार है, उनसे पूछो। कोई बड़ी बात नहीं है, वो प्यार उसके लिए कितना, उस आत्मा को बाबा के नज़दीक ऐसा रखा है जैसे वे सारे विश्व भर में हमें कहेंगे अंकल हमारा, आंटी हमारी, एक ही है विश्व भर में। किस आधार से अंकल आंटी? संबंध की प्राप्ति, निस्वार्थ भाव, सच्चाई। अच्छा नेक्स्ट भाई, स्पष्ट करना अच्छा है ना ये, ओके भाई, कान से भी नहीं कहते, अच्छा ठीक है। The thing I love about Daddy, you ask her for a drop and she leads you to the ocean. And so there's one last question, because we do want to finish at 8. But I feel compelled to ask her, even though it's a big question. And Daddy spoke about the way others would answer questions, and the way others would give gyan, and the way Mama used to give gyan. And it's a little bit connected to this thing about karma. And when Mama said, you cannot say to someone they're going through that because of their karma. Well, some of your questions that came in was to do with Dharamraj and karma. And in the world today, when there's so many natural calamities, a variety of wars happening, a variety of illnesses that our human family is actually becoming victims of, it almost seems that we're going through things in a collective way. And so you really can't say you were in New Orleans when that flood happened because of your karma. Or, you know, you can't say you are going through a specific thing that is big, like HIV/AIDS, because of your karma. It would be almost cruel to say that.
And on the other hand, the thing about Dharamraj, that we are accountable to Dharamraj. When people have so much of fear of God in many ways because of what's happening, and many people are angry with God, and so this word Dharamraj even alienate them further away from God. And so the question that you put to Dadi is, could she shed new light in the way we present these concepts of Dharamraj and karma in the present state of our world when we describe them to people? Dadi ki visheshta ye hai ki Dadi se aap ek boond mangenge to Dadi aapko sagar ke paas leke jayengi. To iske abhi waise time ja raha hai, lekin prashna ye hai, jaise Dadi ne batai mamma ki baat, और मिसाल ये सुनाया कि मम्मा ने किसी को कहा कि आप ये नहीं कह सकते हो कि आपके हिसाब वो इस व्यक्ति के हिसाब किताब के कारण उसने किया है, इसलिए वो सहन कर रहे हैं, उसको सहन करना पड़ता है. ये भी जैसे कि गलत बात है इस प्रकार से बोलना किसी के लिए. तो आजकल हम देखते हैं इतने वॉर्स चल रहे हैं, इतनी बीमारियां चल रही हैं, इतनी नेचुरल कलामिटीज़ भी हैं, तो लोग सफ़र करते हैं. तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप अपने हिसाब किताब के कारण ये आपको सहन करना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि बहुत बड़ी बात है, सिर्फ अकेला नहीं है. जैसे कि एड्स की बात है, आजकल दुनिया में बीमारी दुनिया के हिसाब से बीमारी है, नेचुरल कलामिटीज़ भी कहेंगे, ये समय इस प्रकार का है इसलिए ये हो रहा है. तो इस हिसाब से धर्मराज की बात जो है, धर्मराज को समझने की बात है, वो कुछ सूक्ष्म हो जाती है. हम किसी को धर्मराज के बारे में सुनाएंगे तो हम अभी उसको किस प्रकार से सुना सकते हैं, हम भी धर्मराज को किस प्रकार से समझे, हिसाब किताब की बात है या धर्मराज की बात है, उसको हम कैसे और सूक्ष्मता से समझ सके. इट्स अ बिग क्वेश्चन, बट दैट ही कुड स्टार्ट आंसरिंग इट टुनाइट. प्रश्न वैसे बहुत बड़ा है, बड़ा गहरा है, लेकिन दादी आपसे शुरू कर सकती हैं जवाब देना, तो फिर भले एक दिन लगे, दो दिन तक आपका जवाब चलता रहे. हमेशा बुद्धि में औरों को पीछे रखो, पहले अपन को रखो. औरों को कैसे बताएं वो छोड़ो, परंतु अपन को कैसे समझाएं वो पहले रखो. जैसे बहुत स्पष्ट बोलियों में बाबा ने कहा है, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों ने अपने आप को छुड़ा लिया है. मैं सजा नहीं देता हूँ, परंतु कोई भावना से, सच्ची भावना से करता है उसका फल देता हूँ, सजा नहीं देता हूँ. सच्ची भावना से जो करता है उसका फल बाप देता है, शिव बाबा देता है, ब्रह्मा बाबा स्वयं अच्छा करके दिखाता है, करके दिखाता है. उस तरह से जो करता है तो पुराना जो सब कुछ उसका है वो खलास हो जाता है. याद से विकर्म नाश अलग, जो आज भी बाबा ने की बोले, ऐसी याद हो साकार बोली करती, ऐसी याद बे रहने से अंदर बाप तुम्हारे विकर्म नाश करता है. इसमें बाप हमारे विकर्म नाश करते हैं पर विकर्म की सजा नहीं देता है. तो मैं हमेशा देखती हूँ मुरली में दोनों कितने वंडरफुल है, ब्रह्मा बाबा चाहे शिव बाबा. अच्छा देने में, फल देने में बड़ी दिल वाले है.
इतना देते हैं जितने लेने वाला थक जाता है, देने वाला छोड़ता नहीं है। यह है दाता। पर हम अपने आप को समझाया था, किसी को समझाती हूँ अभी आती हूँ। भगवान चाहता है धर्म में और राज्य में सत्यता हो, धर्मराज धर्म में सत्यता हो, राज्य में कारोबार में सत्यता हो, यह धर्मराज। नहीं करते हैं उसका कारण से सृष्टि में पतित आत्माएं के कारण और आत्माएं बेचारियों को भोगना पड़ता है। पर उसको जो करने वाले हैं उनके जो भोगना और है, और जो उसके कारण से समझो सृष्टि पर कुछ हुआ उनको जो थोड़ा कर, तो उसको भोगना नहीं कहेंगे। उसको अंदर ही अंदर सहनशीलता आती है, कोई तरीका निकल जाता है, फलना छूट जाता है या मर भी जाता है तो उसको अंदर से अंदर ही अंदर परमात्मा की शक्ति। बेचारा नायक, बाबा कहता था खूने नायक का खेल, कईयों के कारण कईयों को थोड़ा होता है, पर जिनको कईयों कारण और बने, मारने वाले और बने, बम फेंकने वाले और बने, पर बचाने वाला भगवान बैठा है। भले भगवान को न भी जानता हो ना, उनके अनुभव में भगवान ने मुझे बचा लिया। ये अनुभव विश्व भर में हमारे देखे हुए हैं। कोई न कोई निमित्त बनता है उनको बचाने के लिए, सहायता देने के लिए। तो भगवान बीच में है, पर भगवान कैसे, शिव बाबा चाहे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा कल्याणकारी है, सजा नहीं देता है पर सुख देता है, बल देता है, जिस कारण कहते दुख हरता शांति दाता। वो अपना काम करता है। और ब्रह्मा बाबा करके सबका भला सोच के अपने करके दिखाया है, जो देख करके हम करते हैं। ब्रह्मा बाबा के कर्म भूमि है ये। भले ये कर्म क्षेत्र गीता माना जाता है, धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, पर मधुबन हमारा धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र है। युद्ध के मैदान में बैठे कौरव क्या कर रहे हैं, पांडव क्या कर रहे हैं, यहीं यहाँ बैठे हैं। कौरव को मान चाहिए, मनी चाहिए, थोड़ी भी मान चाहिए, मनी चाहिए, मोटर चाहिए, कार चाहिए, मेरी कार खराब हो गई दूसरी कार चाहिए, मेरे को ये सेल्यूशन चाहिए। थोड़ा मान नहीं मिलता है, पर महसूस होता है कौरव बैठे हैं। पांडव कौन है? बाबा है सब कुछ से, बाबा है सब कुछ से, बाबा है ना सब कुछ है। ये धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, दोनों बैठे हैं, कौरव पांडव यादव। बाबा ने कहा तीनों सेनाएं हैं संगम युग पर। साइंस का इतना नशा मेरे जैसा कोई नहीं है। साइलेंस में जाते नहीं है, पांडव साइलेंस में जाएंगे, यादव कौरव बुद्धि समझ जाएंगे। ये यादव बुद्धि है, कौरव बुद्धि है, परंतु भगवान वाच्य है, स्वधर्म तेरा शांत है, कर्म तेरा इतना बलवान हो कर्म, जो बेचारे तेरे बलवान कर्म को देख और निर्बल आत्माओं को अच्छे कर्म करने का बल मिले। जो निर्बल आत्माएं हैं जिन्होंने गलत काम करके 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 एकदम बुद्धि मन शरीर धन सब खत्म हो गया है, न धन में शक्ति रही है, न तन में रही है, न मन में रही है, वो उसमें बल आवे। तो प्रीत बुद्धि से निश्चय बुद्धि
से प्रीत बुद्धि से हम बलवान बने और को बल देवे, उनके कर्म को न देखे पर उसमें बल आए श्रेष्ठ कर्म करने का, याद से किया हुआ खत्म करने का, ये हमारा काम है। ऐसी याद हो जो उनसे जो किया है ना खत्म हो जाए, मदद करें। और अच्छे कर्म करने का संग से संयोग से अच्छे कर्म करने का उसको बल मिले, ये हमारा फर्ज कहता है। इसी से ही अंदर में पहले हमारे अंदर में अधर्म का नाश हो, सद्धर्म की स्थापना हो। यहाँ भगवान जिस कार्य के लिए आया है, अधर्म का नाश सद्धर्म की स्थापना, मेरे अंदर ये हमारी बात बाबा का बनने के समय शुरू हुई है। मेरे अंदर अधर्म का नाश हो सद्धर्म की स्थापना हो, भगवान इस कार्य लिए आया है।